क्या हुआ? हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। और हम लोगों का आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आया है। ये देखो, इसको मेंढक बन के क्यों बैठा है। तो हम लोगों का अभी मसूरी जाने का प्लान था, वो कंफर्म हो चुका है, क्योंकि हम लोगों का आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आया। वो मैंने दिखाई दिया था, पूरा रिपोर्ट नेगेटिव आ गया, रैपिड टेस्ट का भी रिपोर्ट आ गया, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो गया। और एक घंटा, एक नहीं एक से ज़्यादा घंटे की मशक्कत के बाद, जो ऑनलाइन वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है उत्तराखंड का, वो भी हो गया, क्योंकि मुझे नहीं आ पा रहा था। काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, बार बार वो लॉगआउट हो जाता था, फिर लॉगिन करते थे, फिर लॉगआउट अपने आप ही हो जाता था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो भी सब हो गया, तो सब कुछ फाइनली हो गया। और रात के अभी बच गया है 12 से ज़्यादा ही हुए होंगे। और ये देखो, अभी हम लोगों का दिन हुआ है, ये देखो हम लोगों का सब सामान तैयार हो रहा है। ये देखो, हो गया, तो अभी हम सामान तैयार हो गया। ठीक है, अभी हम लोगों का सामान तैयार हो गया, बस ये रखना है। क्या रखना? ये सामान, ये वाला, ये सामान रखना है। तो थोड़ा सा तो चलता रहेगा एंड टाइम तक हम लोगों का, क्योंकि ये इसका कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है। हाय, बोल। हाय। तो हम लोग बस अब लोग सुबह निकलेंगे। हाँ ओके, हम लोग सुबह निकलेंगे मॉर्निंग में 4 या 5 के बीच में निकलेंगे, कभी भी निकल सकते हैं 4 या 5 के बीच में। और हमको पहले जाएंगे यहाँ से मसूरी, मतलब गंगा नहाने, हरिद्वार जाएंगे, क्योंकि गंगा जी बीच में आती है, तो हम लोग गंगा के दर्शन करते हुए मसूरी जाएंगे। समझ नहीं आई बात, तुझे समझ में नहीं आएगी। तो हम लोग मसूरी के, तो हम लोग मसूरी के, सॉरी, गंगा जी के दर्शन करते हुए फिर मसूरी जाएंगे। और हम लोग पूरे रास्ते में व्लॉग बनाते हुए जाएंगे, नाच गाते हुए मस्ती करते हुए जाएंगे। ठीक है, और इसका भी अभी अपना व्लॉग बनाएगा, अपना व्लॉग बना लेगा। हाँ, बस आप व्लॉग बीच में चालू मत कर देना, तो सोचेंगे ये लोग फिर गाइस बजेंगे, एक बंदा व्लॉग बना, दूसरा बंदा भी व्लॉग बना रहा है। तो कोई बात नहीं, हम लोग पूरे रास्ते में मस्ती करते हुए व्लॉग बनाते हुए जाएंगे, और खूब सारी मस्ती करेंगे, वो हर चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे, वो हर चीज़ को अपलोड करते जाएंगे। हम सोएगी भी नहीं रात को, हम आते जाएंगे। रात को सोने वाला नहीं है, 12:30 बज चुके हैं, 4 बजे उठना है, 3 घंटे 4 घंटे का समय। और अभी हम लोग की पैकिंग कम्प्लीट, मतलब थोड़ा थोड़ा बाकी है, सब डॉक्यूमेंट देखना, चेक करना, बाकी सब कुछ रखना कम्प्लीट, दोबारा से उसको रीचेक करना। तो आई होप कि सब अच्छे से हो जाए और सुबह टाइम से निकल जाए, ताकि हम टाइम से पहुंच जाए, क्योंकि रास्ते में शायद बारिश भी चालू हो चुकी है मसूरी के, तो हम लोगों को वो भी ध्यान रखना है और टाइम से निकल के टाइम से पहुंचना है, ताकि हम मसूरी टाइम से पहुंच सके, चेकिंग कर सके। हाँ बेटा, छाता ले लिया, छाता, रेनकोट, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी पड़ रही है। 12 बज गए गाइस, तो हम लोगों को 12 बज गया, तेरी घड़ी पीछे हो गई। छाता रख लिया, चलो एक चीज़ और फाइनल हो गई, कि हम लोगों का छाता फाता सब कुछ रख लिया। ठीक है ना, और हम लोगों ने सुबह मॉर्निंग के लिए ब्रेकफास्ट भी अभी से तैयार कर लिया, हम वो भी खाने लेके जाएंगे, रास्ते में खा लेंगे। तो हम लोग पूरी तैयारी करके जा रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ छूट गया तो फिर अब हम लोग निकलने के पहले थोड़ी देर सोएंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे, और इसको लल्लू को भी सुला देंगे, हमारे छोटे से लल्लू को। तो फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे 5:30 बजे, 5:30 निकलेंगे, 4:00 में नहीं निकल पाएंगे, 5:00 निकलेंगे। उसके बाद सीधा यहाँ से हरिद्वार, हरिद्वार से मसूरी, मसूरी में जाके नेक्स्ट ब्लॉग, अभी का ये हो गया मॉर्निंग ब्लॉग। तो ये हम लोग चले सोने, चले थोड़ा तैयार, तेरे गेम्स नहीं रखने, मशीन लगा दो, बाहर छिप कर ली है। अरे वाह, ये हुई ना बात, देखो रात के 12 बजे मशीन लगानी है कपड़े धोने के लिए। वाह 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 वाह, भारतीय नारी, मतलब जाएगी तो भी घर का सारा काम करके कंप्लीट करके कपड़े धो के उसको उतार के अभी रात को धो देगी, ताकि सुबह जाने से पहले वो सूख जाए, उनमें उसको उतार के रख दे, ताकि जब वापस आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। वाह 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 वाह। तो ये चीज होने वाली है अभी, अब हम लोग रात को 12 बजे जाके मशीन लगाएंगे, कपड़े धोएंगे। हाँ, इसके बाल दिखा। वाह वाह वाह। तो गाइस अब सो जाते हैं और फिर मिलेंगे सुबह। गुड नाइट टू ऑल। गुड नाइट।
गुड मॉर्निंग गाइस, तो इट्स 4:15 और 4:16 मॉर्निंग में हम लोगों का प्लान था 4:30 बजे निकलने का, तो ऑलरेडी 4:15 हो चुके हैं और हम लोग जस्ट अभी उठे हैं और उठे हैं तो आवाज़ आ रही है बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश की बाहर, और अभी हम लोग निकलेंगे तो हमें लेट तो होने वाला ही है क्योंकि हम लोगों का जो प्लान था उस हिसाब से 4:30 तक तो निकल जाना चाहिए था, बट अभी लगता नहीं है कि हम लोग निकल पाएंगे और यहाँ हो रही है बहुत ज़ोरों से बारिश, ये हो रही है बहुत ज़ोरों ज़ोरों की बारिश जो हमें और लेट करने वाली है, मतलब अब हम लेट होने वाले ही है। विहान लाइट चालू कर। तो अब हम लेट होने वाले ही है क्योंकि यहाँ पे हो रही है बहुत ज़ोरों की बारिश और हम लोग हो चुके हैं ऑलरेडी लेट और अभी जस्ट उठे हैं, तो अभी पॉसिबल तो है नहीं कि अभी हम 15-20 मिनट में निकल पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि 5 बजे तक हमें निकल जाना है। कहाँ पर है ये रहा, तो हमें 5 बजे तक निकल जाना है, लेकिन अभी 4:17 हो चुके हैं तो 20-25 मिनट में तो निकल जाना ही। तो गाइस देखते हैं कैसे होता है, चल जल्दी कर। पापा जी क्या कर रहे हो? देखो बेटा चाय बना रही है। अच्छा, चाय बनाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, और इसके साथ? इसके साथ हम खाएंगे बटर ब्रेड, बटर पराठा, अचार जो मम्मी ने बना के रखा है। नहीं पापा वो नहीं खाएंगे, नहीं तो और लेट हो जाएगा। अभी टाइम कितने बजे? खा के जाएंगे, भूख लग गई, चाय तो मैं पीता ही हूं हमेशा, तो चाय पी के ही जाएंगे। ठीक है जल्दी। और बाद क्या बारिश कम हो गई के बाद? अरे मम्मी बीच में अरे दादू के और बड़ा छाता नहीं था, इससे बड़ा छाता ले। चलो जय माता दी, जय गणेश गणपति महाराज की। सब ले लिया था ना शुभ ने? Thank you.
गाइस अब हम लोग ऑलमोस्ट 2 घंटे से ज़्यादा हो चुका है हमें चले हुए, और हम हरिद्वार पहुंचने में अभी भी 1 घंटा के करीब बाकी है। गाइस बारिश हो रही है यहाँ पे, और हम पहुँच चुके हैं हरिद्वार, और पूरे टाइम दिल्ली से लेके हरिद्वार तक पूरे टाइम बारिश हो रही थी, और अभी बारिश हो रही है यहाँ पे। और बस अब हम लोग भीग गया। हम सारे भीग गए, और अब हमें नहाना है, इसलिए हम भीगते हुए जा रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि आगे हमें नहाना ही है, तो इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वैसे भी गीला तो होना ही है। फर्स्ट टाइम इतना बारिश देखा है दिल्ली के अंदर, 2 साल के अंदर इतना बारिश हुआ है एक दिन के अंदर, ये भी रिकॉर्ड ही बनने वाला है आज। और हम पूरे रास्ते में बारिश में ही आए हैं, और लगता है पूरे दिन आज बारिश होने वाली है, मसूरी तक हमें बारिश मिलने वाला है। तो अभी हम लोग फटाफट यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि मसूरी में 4 बजे के बाद कमर्शियल व्हीकल अलाउड नहीं है, तो हमें 4 बजे से पहले मसूरी के अंदर एंट्री करनी है। और अभी लगभग 10:30 तो बच ही चुके हैं, तो 10:30 बज चुके हैं 1 घंटा यहाँ पे, तो 12 बजे यहाँ से निकलेंगे तो हम 3 बजे तक पहुँच जाएंगे मसूरी। बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है, बहुत तेज़ हो रही है, पहले के मुकाबले डबल हो चुकी है बारिश। और हम लोगों ने ये यूज़ एंड थ्रो वाले रेनकोट खरीदे हैं, ये देखो इसको, ये देखो, हाँ तुझे भी दिखा रहा हूँ, हमने यूज़ एंड थ्रो वाले रेनकोट खरीदे 20-20 रुपये में, और हम लोग अभी बारिश का मज़ा ले रहे हैं। और यहाँ पे गंगा का बहाव बढ़ता जा रहा है, और मसूरी का रास्ता और दूर होता है, ये देखो गंगा का बहाव देखो, जो लोग दर्शन नहीं कर पाए वो घर बैठे दर्शन करो। बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है, पीछे से पूरा भरा हुआ है। विहान शक्ल दिखा जल्दी से। ये हमारी छोटी सी दुल्हन कौन सी है? विहान तेरी विदाई हो रही है, विहान को यहीं छोड़ दो, विहान तू यहीं रहेगा। ध्यान को यहीं छोड़ दो। तो हम लोग अब निकल चुके हैं हरिद्वार से, और ये हमारा अभी इतना बारिश था कि हमारा पूरा टी शर्ट पूरा पैंट सब कुछ पूरा पैक होने के बाद भी गीला हो चुका है। और ये देखो, ये 2 बार 3 बार ड्रेस चेंज कर चुका है सुबह से, और 4थी बार अभी रेडी वेटर चेंज कर लेंगे, इसलिए लगता है मसूरी पहुँचने से पहले इसके सारे कपड़े गीले हो जाएंगे, और इसको चड्डी बनियान में घूमना पड़ेगा। ऐसा ही हुआ था कल, एक बार आइला तूफान आया था कोलकाता में, गंगा सागर गए थे इसके चारों कपड़े गीले हो गए। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं मसूरी के लिए, ऑन द वे है, और विद इन 2 आवर में हम मसूरी में होंगे। तो लेट्स सी, आई होप, तो गाइस होप फॉर द बेस्ट, अच्छा ही होगा सब।